परिषद जम्मू कश्मीर की प्लान समीक्षा योजना बैठक 23-24 मई को बदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो संपन्न हुई है। इस पूरी बैठक में जो है पिछले गत वर्ष किए गए कार्यों के ऊपर जो है समीक्षा की गई कि किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद का कार्य रहा और आगे आने वाले वर्ष में विद्यार्थी परिषद के क्या लक्ष्य रहेंगे और किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद जो है वो काम करेगी उसकी योजना भी की गई। इस बैठक में इस बार निर्णय लिया गया कि विद्यार्थी परिषद का जो सदस्यता अभियान है, मेंबरशिप ड्राइव जो हर वर्ष होती है, उसकी एक विशेष योजना बनाई गई कि इस वर्ष की मेंबरशिप 3 चरणों में होगी। पहले चरण में स्कूली मेंबरशिप होगी और स्कूली मेंबरशिप को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, समर जोन और विंटर जोन, ताकि सदस्यता जो है वो अधिक से अधिक हो सके। दूसरे चरण में जो मेंबरशिप है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप रहेगी और तीसरा जो चरण है वो मेंबरशिप जो है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की रहेगी। और साथ ही ये निर्णय लिया गया है कि इस मेंबरशिप के दौरान एक मैक्सिमम मेंबरशिप डे जो है वो हम लोग अभियान के तौर पे लेंगे, जिस दिन हम मैक्सिमम मेंबरशिप करेंगे। और साथ ही जैसे हम सबको पता है कि कोविड के बाद से बहुत सारी जो हमारे हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स जो है हम सब कहीं ना कहीं देख रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने ये तय किया है कि इस वर्ष पूरे साल जो है विद्यार्थी परिषद हेल्थ से संबंधित अभियान जो है पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत में लेगी और विशेष करके महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के अभियान जो है पूरे प्रांत में रहने वाले हैं। और साथ ही आप सबके साथ जानकारी साझा करूंगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक जो साल में हर साल होती है वो इस साल 7 से 9 जून को जो है वो गुजरात सूरत में होना तय हुई है और एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो जम्मू कश्मीर से इस NEC में जो है भाग लेने वाला है और जम्मू कश्मीर के तमाम जो इश्यूज हैं उनको जो है नेशनल लेवल पर लेकर जाने वाला है और उठाने वाला है। इसी की जानकारी के लिए आज की ये प्रेस वार्ता थी। धन्यवाद।